तो जैसे कि तुम लोगों ने थंबनेल में देखा था कि आज की इस वीडियो में तुम लोगों को मैं एक ऐसी गुड न्यूज बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यार सिंचन फैंस तो काफी ज्यादा ही खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं तुम लोगों को एक सैड न्यूज भी बताने वाला हूँ जो कि यार थोड़ी बहुत सैड हो सकती है, बट यार गुड न्यूज सुनने के बाद तुम लोगों का मूड फिर से सही हो जाएगा। हाँ, ये गुड न्यूज जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ही 100% कन्फर्म है, जो कि सोनिया ने खुद रिवील करी है। एंड जो मैं सैड न्यूज बताऊंगा उसका भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, बट हाँ इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो इन दोनों ही न्यूज के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर सॉल्व कर लेना। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं गुड न्यूज के बारे में, तो तुम लोगों का मूड सही रहेगा। देखो गुड न्यूज ये है कि अगर तुम लोगों ने कल सिंचन को देखा होगा वहाँ पर शाम को हमें न्यू एपिसोड दिखाए गए थे। यार उन्हीं न्यू एपिसोड के अंदर हमें नीचे एक ओवरले दिखाया गया था जिसपे लिख रखा था कि सिंचन के न्यू एपिसोड अब आने वाले हैं मंडे से। आप तुम लोग समझ गए होंगे कि 11 बजे से अब सिंचन के न्यू एपिसोड आ रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में रिसर्च नहीं किया था कि ये कौन सा सीजन होने वाला है, कि देखो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करके तुम लोगों को ये भी बता दूंगा कि ये कौन सा सीजन है, क्योंकि अब ये डब हो चुका है एंड हम लोगों को अब इस मंडे से ही देखने को स्टार्ट हो जाएगा। तो ये गुड न्यूज काफी ज्यादा बढ़िया है एंड सिंचन के न्यू एपिसोड आ रहे हैं जो कि तुम लोग अब सोनी पे इजीली वॉच कर सकते हो। देखो यार अब गुड न्यूज तो यही थी, अब बात करते हैं अपनी सैड न्यूज के बारे में। तो देखो यार सैड न्यूज यही है कि अब सिंचन की मूवीज आने का काफी कम चांसेस हो चुका है। यार जब हमें कुंग फू वाली मूवी दिखाई गई थी, पहले हमें कुंग फू वाली मूवी का प्रोमो पहले नहीं दिखाया गया था, या फिर तुम लोग ये कह सकते हो का ओवरले हम लोगों को तुरंत नहीं दिखाया गया था। तो अब सिंचन की मूवी का ओवरले नहीं आ रहा है, तो तुम लोग अब ये समझ सकते हो कि यार सिंचन की मूवीज आने का काफी कम चांसेस है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कभी आएगी नई मूवी, सोनी अब छोड़ दिया मूवी और आगे लाएगा ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई। सोनी कुछ भी कर सकता है, ये मैं अपने प्रेडिक्शन से बता रहा हूँ कि मूवी नहीं आने वाली है। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मूवी नहीं आने वाली है, मतलब अभी मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो कि इस वीक के अंदर तुम लोगों को मूवी देखने का काफी कम चांसेस है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि सिंचन की मूवीज अब इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि यार अब बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है एंड छुट्टियों के बीच में ही सोनी ने सारी मूवी टेलीकास्ट की थी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड अब बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही है तो अब वापस से शायद तक ये लोग एपिसोड्स को टेलीकास्ट करने वाले हैं। एंड सोनी का भी कुछ भी पता नहीं है कि ये कभी भी मूवीज को ला सकते हैं। तो अब इसके बारे में तुम लोगों को क्या लगता है कि कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि मंडे से न्यू एपिसोड्स टेलीकास्ट होने वाले हैं। अब तुम लोग बताओगे तुम लोगों को क्या कहना है इसके बारे में। बाकी तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Feel pain. Contemplate pain. Accept pain. Know pain. Those who do not know pain will never understand true peace.